बदलते भारत की शान। पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीशीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत से जुड़ी अहम जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते हैं। क्या कुछ नया हो रहा होता है उसके बारे में आपको अवगत करवाते हैं, ताकि आपके लिए वो फायदेमंद साबित हो सके। आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी हमारे तीनों सेगमेंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। अब इन तीनों सेगमेंट्स में क्या कुछ खास रहेगा, जानने के लिए आइए शुरुआत करें आज के अंक की। किसान भाइयों बहनों, आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। दिल्ली स्थित पूसा के जल प्रौद्योगिकी केंद्र में फील्ड में ज्वार और बाजरा को लगाया गया है। यहाँ पर टपक सिंचाई और मल्च का प्रयोग किया जा रहा है। किस तरह से प्रबंधन किए जा रहे हैं, आइए विस्तार से दिखाते हैं आपको हमारे सेगमेंट में। मोटे अनाज यानी मिलेट्स, जिसे भारत में श्री अन्न के नाम से भी जाना जाता है, मोटे अनाज को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक जलवायु संकट की वजह से संभावित अकाल जैसे हालातों में मोटे अनाज की खेती को विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। मोटे अनाज अपने पोषक तत्वों की वजह से काफी मशहूर हैं। मोटे अनाज में लगभग 8 अनाजों को जोड़ा गया है, जिसमें बाजरा, ज्वार, रागी, कंगनी, कुटकी, कोदो और सवा है। मिलेट्स रिसर्च संस्थान के निदेशक डॉक्टर सी तारा सत्यवती ने कहा, ये वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के नाम से मनाया जा रहा है और मिलेट्स के बारे में काफ़ी जागरूकता बढ़ाया जा रहा है। लोगों को मिलेट्स के बारे में, उनके गुणवत्ता के बारे में, न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स के बारे में। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक तो है आपको नए नए किस्में डेवलप करना है, और उसके साथ में नए किस्में तो हैं लेकिन उसके साथ में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जो कैसे उगाए, किस कंडीशन में उगाए, कौन सी चीज़ डालने से उसकी उत्पादकता बढ़ जाती है, इन चीज़ों को भी हमको ध्यान देना है। जब इस तरह का एक्सपेरिमेंट करेंगे, इस तरह का प्रयोगों से हमको ये पता चलेगा कि कितनी मात्रा में मॉइस्चर मिलने से कहाँ कितनी उत्पादकता बढ़ सकती है। और अभी आपने ये भी सुना है कि ज्वार में 11% ही इरिगेशन कंडीशंस में उगाया जा रहा है। अब बात ये आ रही है कि बार बार कि हमको इन मिलेट्स की उत्पादकता कैसे बढ़ाए। टेक्नोलॉजी है वेराइटीज़ की, हाइब्रिड्स हैं, लेकिन उसको हर एक लोकेशन के लिए हमको डेवलप करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हम थोड़ा पानी ज़्यादा देने से उत्पादकता बढ़ेगी। उसी डायरेक्शन में बिना एक्सपेरिमेंट किए तो हम ये नहीं कर सकते कि फलाना जगह पे आप लगा दो ये बढ़ जाएगा, लेकिन साइंटिफिकली इन सबको टेस्ट करना पड़ता है। और उसी प्रयास में वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर IRA हमारे साथ दे रहे हैं, और आप खुद देख सकते हैं कि कितने अच्छे से अंतर दिख रहा है। जल प्रौद्योगिकी केंद्र के परियोजना निदेशक डॉक्टर PS ब्रह्मानंद ने कहा, ये अभी जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जिसको हम मनाया जा रहा है, इसके अंतर्गत ये मुख्य उद्देश्य था
कि जो पानी की जो क्षमता को बढ़ाना है और न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी को बढ़ाना है, ये दोनों मुख्य उद्देश्य को हमको ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए ऐसी तरह की वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ज़रूरत है जिसमें पानी को अच्छी तरह से सब समय में फसल को देना चाहिए जैसा सोरगम के लिए, जिसके कारण उसका उत्पादकता बढ़ जाए। उसके साथ पानी के माध्यम के द्वारा जो फर्टिगेशन के द्वारा जो न्यूट्रिएंट की जो क्षमता बढ़ाना है, वो दोनों को अच्छी तरह से फुलफिल करने के लिए हमने एक इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी जो है ये मल्च कम ड्रिप फर्टिगेशन, ये दोनों को इंटीग्रेट करते हुए एक टेक्नोलॉजी को यहाँ टेस्टिंग किया है। ये बेसिकली ICR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन कोलाबरेशन विथ बोरोच इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई हम लोग इसको प्रयास कर रहा है। इसके अंतर्गत यही मुख्य उद्देश्य है कि जो मल्च और ड्रिप फर्टिगेशन के कारण जितना उत्पादकता जो सोरगम में जो बढ़ेगी उसके उसका जो अगर आपने इकोनॉमिक्स में कन्वर्ट करेंगे किसान लोगों के लिए, उसमें जितना भी खर्च होगा उस खर्च से ये ज़्यादा आने की हम लोग का आशा है। और इसके इसको और भी अच्छा सुनिश्चित करने के लिए हम ये बता रहे हैं, जैसा खरीफ सीजन में ये सोरगम आप जो देख रहे हैं ये ICR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च की जो वैरायटी है CSH 41 वैरायटी है, और ये वैरायटी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से इसका जो परफॉर्मेंस है, इसका ग्रोथ भी अच्छा रहा, इसका यील्ड एट्रीब्यूट्स भी अच्छा रहा, इसका यील्ड भी बहुत अच्छा आएगा आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, हम यही उम्मीद कर रहे हैं ये इस पर्टिकुलर खरीफ सीजन में जितना भी ये किसान के लिए एडिशनल आमदनी उसको मिलेगा कंपेयर टू सरफेस इरीगेशन की तुलना में बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट डिफरेंस हो रहा है। और इसके साथ यही स्पेसिंग में, यही प्लांट स्पेसिंग में रबी सीजन में भी आइदर इसी फसल को हम करें या नहीं तो कुछ वेजिटेबल फसल को भी हम कर सकते हैं, तो उसमें क्या होगा ये जो एक साल की जो लाइफ है ये जो मल्च का, इस खर्च एडिशनल नहीं होगा लेकिन किसान को रबी समय में जो एडिशनल एडवांटेज जो आएगा इस ट्रीटमेंट के कारण उसके कारण उसका ओवरऑल बहुत अच्छा रहेगा। जल प्रौद्योगिकी केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज खन्ना ने कहा, यहाँ अब एक नया प्रयोग देख रहे हैं जिसमें हम टपक सिंचाई और मल्च के साथ में उन फसलों को ले रहे हैं जिनमें पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है, मुख्य रूप से उन क्षेत्रों के लिए जो वर्षा आधारित खेती जहाँ पर होती है और जहाँ पर जल संचयन करके जल संरक्षण करके हम छोटा सा तालाब बनाने का किसानों भाइयों को वो कहते हैं, और वहाँ पर जब वो पानी बहुत कम है उस पानी का इस्तेमाल अगर हम टपक सिंचाई और उर्वरक भी हम टपक सिंचाई के माध्यम से उसके साथ साथ अगर मल्च का प्रयोग करें तो खासकर ज्वार है बाजरा है उन फसलों का जिनको भारत सरकार भी आजकल प्रोत्साहित कर रही है, हमारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है जिसमें किसान भाइयों को कहा जा रहा है फसल विविधीकरण करें और उन फसलों को इस्तेमाल करें जहाँ पर पानी बहुत कम अवेलेबल है या उपलब्ध है, और जो भी पानी उपलब्ध है उसको हम ऐसी तकनीक से दें जिससे कि ना केवल उत्पादन अच्छा हो उत्पादकता बढ़े और किसान भाइयों को हमारे उससे अधिक से अधिक बाज़ार में जाकर लाभ मिले। आप यहाँ देखेंगे कि फसल की जो गुणवत्ता है वो भी इतनी अच्छी है चाहे वो ज्वार हो चाहे वो बाजरा हो, और जिससे आप देखेंगे कि वो इतनी अच्छी फसल निकलेगी जिससे बाज़ार में उस किसान भाई को दाम भी बहुत अच्छा मिलेगा, उससे उसको बाज़ार दाम अच्छा मिलने से उसकी आय बढ़ेगी और आय दुगनी करने की दिशा में एक नया प्रयत्न होगा। हम सभी जानते हैं कि प्रकृति का अनोखा तोहफा है हमारे लिए देश की मिट्टी। जी हाँ, मिट्टी अगर स्वस्थ रहेगी तभी तो हमारी उपज भी हमें अच्छी और बेहतर गुणवत्ता वाली मिल सकेगी। इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उसकी सेहत का ख्याल रखें। तो किस तरह से इस दिशा में कार्य किए जा सकते हैं जानते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान में। मिट्टी में 16 तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इनमें से अगर किसी भी तत्व की कमी हो जाए तो समझ लीजिए मिट्टी बीमार है। जांच के बाद पता चल जाता है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी है और किसकी नहीं। अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग तरह का पोषण चाहिए। जांच के बाद हमारे वैज्ञानिक उस फसल के हिसाब से पोषण की सलाह देते हैं और ये भी बताते हैं कि कौन सा तत्व कितनी मात्रा में डालना है। इसका मतलब हुआ कि मिट्टी की जांच उर्वरकों के अंधाधुंध इस्तेमाल को रोकती है।
और कम लागत में ज्यादा पैदावार दिलाती है। जिस तरह इंसानों में अलग अलग बीमारियों का पता लगाने के लिए खून की जांच की जाती है, उसी तरह मिट्टी की बीमारियों का पता लगाने के लिए उसकी जांच होती है। इस प्रयोगशाला में मिट्टी के पीएच, विद्युत चालकता, जैव कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश वगैरह की जांच की जाती है। खरीफ फसलों के लिए अप्रैल मई में और रबी फसलों के लिए अगस्त सितंबर में नमूना लिया जाता है। जांच के बाद किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाता है। इस किसान को जांच के लिए नमूना लेने का अनुभव है। इन्होंने सबसे पहले घास को हटा दिया है ताकि साफ सुथरी मिट्टी मिल सके। इनके पास एक बर्मा है, इसकी मदद से ये 15 सेंटीमीटर की गहराई तक मिट्टी निकाल लेंगे। लेकिन सिर्फ एक जगह से ही नमूना लेना काफी नहीं है, सटीक परिणाम के लिए 10-12 जगह से नमूना लेना होगा। जिन किसानों के पास बर्मा नहीं है, वो कुदाली से भी काम ले सकते हैं। कुदाली से अंग्रेजी के वी आकार का 15 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदना होगा और फिर एक किनारे से ऊपर से नीचे की तरफ 2-3 सेंटीमीटर की परत निकालनी होगी। इस किसान ने हर नमूने को साफ कागज पर रखा है ताकि मिट्टी में कोई बाहरी गंदगी ना आ सके। अब इन्होंने सभी नमूनों को आपस में अच्छी तरह मिला दिया है और मिलाई हुई मिट्टी को साफ सतह पर समतल बिछा दिया है। उंगली से इसके 4 बराबर भाग किए हैं। आमने सामने वाले 2 हिस्सों को निकाल कर अलग कर लिया गया है और बाकी मिट्टी को फिर 4 भागों में बांट लिया है। आमने सामने वाले 2 हिस्सों को फिर से हटा दिया गया। ऐसा तब तक करेंगे जब तक नमूने का वजन आधा किलो ना रह जाए। आधा किलो नमूने को साफ कपड़े या पॉलिथीन रख दिया जाएगा और इसके साथ एक पर्ची भी। पर्ची पर किसान का नाम, पता, प्लॉट नंबर या कोई और तरीका जो खेत की पहचान कराता हो लिख दिया गया है। इसी तरह मिट्टी की किस्में दर्ज करेंगे। मिट्टी बारानी है या सिंचाई सुविधा वाली, ये भी लिखा जाएगा और सिंचाई का साधन भी बताना होगा। इसके अलावा जल निकासी की जानकारी, बोई हुई फसल का नाम, आगे बोई जाने वाली फसल का नाम और जैविक खाद जो डाला गया हो वो भी लिख देंगे। खेत में अगर कोई समस्या है तो वो भी लिख दिया जाएगा, जैसे कम पैदावार वगैरह। सबसे नीचे नमूना लेने की तारीख और किसान के हस्ताक्षर होंगे। इस पर्ची की 3 प्रतियां होंगी। पहली नमूने वाली थैली मके अंदर रखी जाएगी, दूसरी बाहर बांधी जाएगी और तीसरी को किसान अपने पास रख लेंगे। 3 दिन के अंदर अंदर इसे प्रयोगशाला भेजना होगा, वरना जांच सही नहीं होगी। याद रहे, नाली की जमीन, पेड़ के पास की जमीन या खाद के ढेर से नमूना नहीं लेना है। हरी खाद, कंपोस्ट या रासायनिक खाद डालने के तुरंत बाद भी नमूना लेना सही नहीं है। इस तरह खेत के गीला होने पर भी नमूना नहीं ले सकते। खाद के बारे में नमूना बिल्कुल ना भरे और मेड़ों से करीब 2 मीटर दूरी तक भी नमूना ना ले। वैसे तो बाजार में मिट्टी परीक्षण किट भी मौजूद है, किसान चाहे तो खुद भी मिट्टी की जांच कर सकते हैं, लेकिन इससे सीमित जानकारी ही मिल पाती है। सही जानकारी प्रयोगशाला से ही मिलेगी। जांच के दौरान अगर मिट्टी में जैव कार्बन 0.5 से कम हो तो मिट्टी निम्न वर्ग की होगी, 0.5 से 0.75 हो तो मध्यम वर्ग की और 0.75 से ऊपर हो तो उच्च वर्ग की होगी। नाइट्रोजन की मात्रा 280 से कम होने पर निम्न वर्ग, 280 से 560 होने पर मध्यम वर्ग और 560 से ऊपर होने पर उच्च वर्ग में आएगी। फास्फोरस 23 से कम हो तो निम्न, 23 से 56 होने पर मध्यम और 56 से ऊपर होने पर उच्च वर्ग की होगी। पोटेशियम की मात्रा 130 से कम हो तो निम्न, 130 से 335 हो तो मध्यम वर्ग और 335 से ऊपर होने पर उच्च वर्ग की कहलाएगी। अब किसान इसी के आधार पर खाद दे सकते हैं। बहुत कम जैव कार्बन वाले खेत में प्रति हेक्टेयर 15 से 16 क्विंटल कंपोस्ट डालना है। कम जैव कार्बन वाले खेत में 14 क्विंटल, मध्यम में 10 क्विंटल और उच्च में 5 क्विंटल खाद डालनी होगी। अति उच्च जैव कार्बन वाले खेत में जैविक खाद की जरूरत नहीं होती। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसके साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, तो
भी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनसे हम आपको रूबरू करवाते रहते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं यहां पर सफल किसान भाइयों बहनों की। उनकी सफलता की दास्तानें हम आप तक पहुंचाते रहते हैं ताकि आप उनसे प्रेरित हो सकें और अपनी खेती किसानी में थोड़ा सा ही सही बदलाव करके उसे और भी ज़्यादा उन्नत बना सकें। आज के हमारे सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात किनसे करवाने वाले हैं, आइए जानते हैं और नज़र डालते हैं हमारे सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। हिम्मत और कोशिश अगर दिल से की जाए तो कामयाबी हर हाल में आपको हासिल होगी। इस बात को सच साबित किया है उड़ीसा में पुरी के एक गांव गड़ा पदनापुर की रहने वाली राज लक्ष्मी मोहंती ने। उन्होंने एक पोल्ट्री फार्म से अपने सफर की शुरुआत की। आज वो कई महिलाओं के लिए एक मिसाल बन चुकी है। राजलक्ष्मी ने 2019 में इस सफर की शुरुआत की थी और आज सिर्फ पोल्ट्री ही नहीं वो फिशिंग और मशरूम की खेती में भी अच्छा नाम कमा रही है। मैं ये जो फार्म 2019 में स्टार्ट किया था, जो स्टार्ट करने से पहले मैं जरा डिप्रेस में थी कि क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ मजबूरी थी मेरी। तो उसी समय मुझे पूरी कृषि विज्ञान केंद्र की एक ट्रेनिंग हमारे गांव में हो रहा था, तो मैं उस ट्रेनिंग में गई। उन्होंने बोला कि आप क्या करना चाहते हैं, मैं बोला कि आपका जो प्रोजेक्ट आपके हैं कौन सा प्रोजेक्ट है मुझे बताइए, उसके बाद मैं बोलूँगी कि क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। तो उन्होंने बोला कि उनका एक आर्या प्रोजेक्ट आया था, तो उसी में हनी मशरूम और पोल्ट्री और मछली का प्रोजेक्ट था। तो मैं उससे पोल्ट्री का बिजनेस करने मतलब फार्मिंग करने के लिए सोचा। हुनर किसी पहचान का मोहताज नहीं होता और राजलक्ष्मी की मेहनत तो ऐसी थी कि उसका शोर दूर दूर तक सुनाई दे रहा था। राजलक्ष्मी को अपने बेटे का भी भरपूर साथ मिला जिसका जिक्र वो हमेशा करती है। जब कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा था तो उसका असर राजलक्ष्मी पर भी पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार कोशिशों के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। 2019 में भी कोविड स्टार्ट हुआ, उसी समय मुझे बहुत दिक्कत हुई। मुर्गियों को मैंने दाना देने के लिए बहुत दिक्कत हुई, तो उसी उसके लिए मैंने घर में जो भी चावल वावल वो दिया और दाना भी कुछ कुछ मिला तो उसको भी दिया। आज राजलक्ष्मी मोहंती जिस मकाम पर हैं वहाँ पहुँचना हर किसी का सपना होता है, इसलिए खुद राजलक्ष्मी दूसरे लोगों को प्रेरित कर रही है और यही बात राजलक्ष्मी मोहंती को और बड़ा बनाती है। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपको दिखाया जाएगा हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई,
आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। अब कार्यक्रम में वक्त हो चुका है नजर डालने का हमारे सेगमेंट फार्मिंग इंडिया पर। हमारे सेगमेंट में आज हम आपको बताने वाले हैं राष्ट्रीय बांस मिशन के बारे में। जी हाँ, नाम से ही जाहिर हो जाता है कि मिशन यही है कि बांस की खेती को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। इसमें बहुत सारे युवाओं को जोड़ा जा रहा है, किसानों को जोड़ा जा रहा है, उन्हें आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जा रही है, यहाँ तक कि पौध भी उपलब्ध करवाई जा रही है। तो किस तरह से इस मिशन के तहत कार्य हो रहा है, आइए विस्तार से जानें हमारे सेगमेंट के माध्यम से। एक ऐसा पौधा है जो हर परिवेश में तेजी से विकसित हो सकता है। आसानी से उपलब्धता और इसकी मजबूती की वजह से बरसों से बांस का उपयोग होता रहा है और अब इसकी मांग और भी अधिक बढ़ गई है। दुनिया में तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने में भी बांस काफी सहायक है, क्योंकि इसमें कार्बन भंडारण और ऊर्जा बनाने की क्षमता है। तेजी से कट रहे जंगलों को बचाने में भी बांस की अहम भूमिका है, क्योंकि ये निर्माण के लिए बेहतरीन विकल्प है। यानी बांस एक सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली उत्पाद है और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने की दिशा में बांस अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांस उत्पादक देश है, जहां बांस की 125 देसी और 11 विदेशी प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में कुल बांस उत्पादन क्षेत्र 16 मिलियन हेक्टेयर है और वार्षिक बांस उत्पादन क्षमता 3.23 मिलियन टन है। यूं तो बांस भारत में लगभग हर इलाके में पाया जाता है, लेकिन इसके कुल उत्पादन क्षेत्र का 40% हिस्सा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और असम में है। देश में 20 लाख से अधिक कारीगर बांस के विभिन्न उत्पाद बनाकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। बांस उद्योग में अभूतपूर्व विकास की क्षमता है, जहां 2018-19 में भारत अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए बांस का आयात करता था, वहीं 2019-20 में हम विदेशों में भी बांस का निर्यात करने लगे। 2021-22 में भारत ने 630 करोड़ रुपए का निर्यात किया। बांस उद्योग में असीम संभावनाओं को समझते हुए भारत सरकार बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। बांस को एक स्वच्छ, स्थायी और टिकाऊ विकल्प के रूप में बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2017-18 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में संशोधन करके गैर वन क्षेत्रों में उगाए जाने वाले बांस को पेड़ की श्रेणी से हटा दिया, जिससे किसान अब इसे आसानी से अपनी खेतीहर जमीन पर उगा सकते हैं। साथ ही जंगलों के बाहर उगाए जाने वाले बांस की कटाई और परिवहन से भी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। वहीं बांस उत्पादन क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन को 2018-19 में पुनर्गठित करके नया रूप दिया गया, जो कि गैर वन क्षेत्रों में बांस उत्पादन को बढ़ावा देने, उद्योगों को बेहतर कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, फसल कटाई उपरांत कुशल प्रबंधन के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों जैसे बुनियादी ढांचे और नई तकनीकों के विकास और बाजार उपलब्ध कराने के लिए तेजी से कार्य कर रहा है। जहां एक ओर पारंपरिक उत्पादों में बांस का इस्तेमाल हो रहा है, वहीं स्थायी विकास के तहत बांस का इस्तेमाल नए जमाने की मॉडर्न इमारतों, दफ्तरों, प्रीमियम फर्नीचर, बेम्बू फैब्रिक, कागज के उत्पादन इत्यादि में किया जा रहा है। साथ ही बांस का उपयोग बायोफ्यूल बनाने में भी हो रहा है, जो कि पेट्रोलियम का बेहतरीन विकल्प है। राष्ट्रीय बांस मिशन का लाभ लेने वाले एक उद्यमी हैं उत्तराखंड के रहने वाले जय पाई नूली, जिन्होंने योजना के तहत सब्सिडी लेकर जापानी तकनीक से चॉपस्टिक बनाने का एक प्रोसेसिंग यूनिट खोला है।
इस यूनिट से ये अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। राष्ट्रीय बैम्बू मिशन से जो हमें अनुदान मिला है उससे हमने मशीनें खरीदी, सेटअप लगाया है और हम लोग उसमें आत्मनिर्भर बने हैं। इसी तरह बंगलुरु के रहने वाले परमेश्वरन कृष्णा अय्यर ने राष्ट्रीय बांस मिशन के सहयोग से आधुनिक प्रोसेसिंग तकनीकों को अपनाकर अपने बांस उद्यम को विकसित किया है। With the help of National Bamboo Mission, we mechanizing each and every process from bamboo unloading to treatment to furniture making process. किसानों की आय में वृद्धि हो, इसी मिशन के सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बांस उद्योग, जिसके माध्यम से देश के कोने कोने से लोग आमदनी के इस नए विकल्प से जुड़ रहे हैं। वहीं बांस स्थायी विकास में भी अत्यधिक अहम है, जिसे बढ़ावा देकर भारत विश्व की ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहा है। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसके साथ किसान भाइयों बहनों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, अगर आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं तो आप रुक कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल का। करना क्या है आपको, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा आप पहुँच जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोई सवाल है आपके मन में, कोई सुझाव है आपके पास, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी krishidarshandk@gmail.com, या फिर आप हमें पत्र लिखिए। पता है हमारा, कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।